सर, जो वीवीआईपीज हैं उनके पास सारे प्रोटोकॉल्स हैं। जो वीवीआईपीज हैं वो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग सारी चीजें मानते हैं। जब वो इस तरीके से हो गए, हिट हो गए, तो फिर आम इंसान का क्या है? और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, अब मैं आपसे सोल्यूशन चाहता हूं, आप इसका क्या सोल्यूशन देखते हैं? लॉकडाउन के इकलौता सोल्यूशन बचा है? निशान जी, जो आपने वीआईपीज के बारे में कहा था कि ये सब ऑब्जर्व करते हैं, ये भ्रम है हमारा। उनको चिकित्सा सुविधाएं जरूर सब मुहैया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के बाकी जो मास्किंग वगैरह है, ये तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। आप ये देखेंगे कि वीआईपीज मास्क लगाते नहीं, परहेज करते हैं मास्क लगाने से, सोशल डिस्टेंसिंग वो मानते नहीं, ये जरूर है, लेकिन ये पर्याप्त कारण नहीं। ये तो एक खतरे की घंटी बजी है। मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर चेत जाएं तो सबके उसमें कल्याण है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का सम्मान करें, और इसके अलावा जो आपके प्रिवेंटिव एक्शन है उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन हम वो करते कहाँ हैं? लेकिन अब जब वीआईपीज इतने, जो हमारे सबसे हाई प्रोफाइल वीआईपीज हैं, जब वो संक्रमित हो गए हैं, मैं समझता हूँ ये वेकअप कॉल है निशान जी। इससे ज्यादा लाउड एंड क्लियर खतरे की घंटी हो नहीं सकती। सर, मैं एक चीज एनालिसिस के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, विक्रम सर, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं एक एनालिसिस जानना चाह रहा हूँ इसमें। डॉक्टर खन्ना को मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व करूंगा इसमें और फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। डॉक्टर खन्ना, क्या यह समझा जाए कि जैसे न्यू ईयर के बाद एक वेव आई थी, जैसे एक माइल्ड वेव दिवाली के बाद आई थी, क्या यह होली के बाद की वेव है जो बहुत तेजी से ट्रांसमिट हो रही है, क्योंकि हम डबल म्यूटेंट की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये होली के बाद की वेव है, बिकॉज इसका मेन रीजन होली नहीं है। इसका मेन रीजन जो होली के बाद ये कुंभ है, जो लापरवाही है, जो इलेक्शन में लापरवाही है, जो मीडिया का अटेंशन इस चीज पे अब आ रहा है जो पहले नहीं था, और सारा अटेंशन सर हम तो देख महीने से कर रहे हैं और चीजों में था, ये सब मिला के हुआ। और ये सारी चीजें जिस तरीके से चीजें होनी थी और प्रशासन को मालूम था, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था कि ये चीजें होंगी, इसमें जब जहां जहां भीड़ होगी, कन्फिग्रेशन होंगे, वहां पे ये चीजें बढ़ेंगी, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस पे कोई भी इसकी प्लानिंग नहीं करी गई। और ये अलाउ किया गया कि कुंभ मेला हो जाए, इधर भी हो जाए, लोग भीड़ भी लग जाए, मतलब आपने उस चीज को क्लियर कर दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।